This is Urgeling Monastery, a Buddhist monastery in Arunachal Pradesh of Bharat. Urgeling Monastery is at a distance of around 3 kilometers from Tawang Township and is a sacred place famous for being the birthplace of the 6th Dalai Lama. The monastery was built in 1487 and His Holiness the 6th Dalai Lama was born here in 1683 and resided in Urgeling village. Though a small monastery, but holds great significance for the people of Buddhist faith. Tawang mein hai aur Arunachal Pradesh ka ye ek jagah hai aur kafi Buddhist center hai, kafi important jagah hai, khoobsurat jagah bhi hai, log bhi khoobsurat hain aur main is sthal pe aaya hu, malum hua ki bahut pavitra sthal hai aur iske bare mein aur jankari main lena chahta hu. Hamare sath Lama Korbo ji hain, इनसे मैं जानना चाहता हूँ कि इस जगह की क्या महत्ता है. ये एक सिस्ट दलाई लामा के पार्ट प्लेस कहता है कि ये जगह जो अरुणाचल पूरे यो एक पहले जमुना में एक टिबेट टेन की हिस्सा में थे, तो पूरा ये टिबेट पूरा ये दलाई लामा वो शासन करता था. तो सिस्ट वन एक दो तीन पांच तक टिबेट के अंदर में जन्म लिया है. सिस्ट वाला जो यहाँ हमारे ये जगह पे जन्म हुआ है जी, जी. तो उसी के बाद दलाई लामा जो यहाँ से वो टिबेट में शासन करते हैं, उसका पोतलासा में उसका मेन प्लेस वहीं से अब क्या बोलेगा टिबेट में पोतलासा बोल के एक जगह है, वो वहाँ में अभी वो राजा जो रहने के लिए जगह वहाँ था. सिस्ट दलाई लामा यहाँ से टिबेट लोग आके यहाँ से स्वागत करते ही वक्त उन्होंने यहाँ पर एक छड़ी जो यहाँ पर लगा दिया, ये वृक्ष जो अभी पूरा ये एक पूरा इतना बड़ा पेड़ हुआ है. तो ये एक तवांग, ये अभी तवांग मंत्री है, बड़ा जी जी बड़ा मंत्री है, उनकी उसी के ब्रांच में आता है ये उसके ब्रांच में आते हैं. तो वहाँ से हमारे वहाँ से यहाँ में एक देखभाल करने के लिए वहाँ से एक तमा यहाँ 3 साल के लिए भेजता है. अच्छा. 3 साल करके रोटेशन होते हैं. तो उसी जो मेन मॉनेस्ट्री है तवांग मंत्री से आते हैं. तो ये दलाई लामा का मदर जो यहाँ काफी दूर से आया हुआ है, पिता जो यहाँ का था, तो वो यहाँ मेरिट होगी इस दलाई लामा यहाँ में बर्थ प्लेस यहाँ पर यहाँ पर छठे जो दलाई लामा है उनका नाम क्या है? उसका छयंगेसो. तो उनका जो बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार में उनका क्या महत्व है, वो कितने महत्व है, उनका महत्वपूर्ण है वो इस सीरीज में जो दलाई लामा जी के सीरीज जो दलाई लामा का ही मध्य चला रहे हैं उसमें इनका कुछ विशेष महत्व है? ये दलाई लामा जो सिक्स्थ और अभी ये चौदह जो बहुत फेमस हुआ है, तो बाहर देश और कंट्री सबसे अभी मिलाकर उसका प्रवचन दे सकते हैं. सिक्स्थ और अभी 13 दलाई लामा तक ना ही अभी फेमस नहीं हुआ है, पूरा ये अभी टिबेट का अंदर में ही है, अभी ये जगह का अंदर में अपना धर्म को पालन करके ही इतना ही रुक गया है. 14 दलाई लामा जो 1559 को हमारे ये भारत देश में आया हुआ है, 1959 में हाँ यहाँ आया हुआ है. तो इसके बाद में अभी जितना अभी भारत देश में विदेश में ना अपना धर्म को फैलाते हैं और प्रवचन अभी फैलाते हैं, तो सबसे ऐसे मुलाकात होते हैं. पहले ऐसे नहीं था कि अपना सिर्फ अपना जगह के अंदर में ऐसे होता था. सिर्फ दलाई लामा जो अभी काफी बड़ा होने की बात ही उन लोगों ने यहाँ पर चुनाव किया है कि इतना ही फेमस नहीं हुआ है, लेकिन सिर्फ इतना बर्थडे से हम लोग इतना महत्वपूर्ण मान के यहाँ पर पूरा दर्शन के लिए आते हैं. तो मैं अभी हमारे जो दर्शक या हमारे जो और जो स्पिरिचुअली जो टूरिस्ट स्पिरिचुअली जो साउंड लोग हैं और इवन अदरवाइज जो यहाँ पर इंटरेस्ट लेते हैं तवांग में, वो इस जगह को देखने जरूर आए. ये बहुत ही खूबसूरत जगह है और बहुत ही पाक पवित्र स्थल है धार्मिक दृष्टि से. नमस्कार. मैं चाहता हूँ बारे में फोटो लूँ ज्यादा से ज्यादा जाने जी.
Tawang Township is famous for its 400 years old monastery, which is one of the biggest Buddhist monasteries to be found in Bharat, and also an important pilgrim center for the followers of Buddhism. Tawang is also famous for its natural beauty, which attracts and enchants the tourists and nature lovers.